मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी चैनल में, इराज मॉम लाइफ के चैनल में। तो अभी भी हम लोग गैंगटॉक में ही हैं और अभी कल हम लोग लाचुंग से घूम करके आए हैं और रात बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। एक तो हम लोग जाम में फंस गए थे 3.5 घंटे, तो हम लोग सवेरे ही रात में शाम तक आ जाते तो हम लोग एमजी मांग आराम से घूम सकते थे। तो एमजी मांग नहीं घूम पाए कल, तो आज हम लोग लोकल घूमेंगे। तो लोकल में गणेश टॉक, हनुमान टॉक और जो भी है तो वो सब आज घूमेंगे एमजी मार्ग सब। और कल है हमारा यहाँ छंगू और बाबा हरभजन मंदिर और नथला कल जाएंगे और परसों हम लोगों यहाँ से फिर से वापस जाना है। तो जो भी व्लॉग है वो थोड़ा लेट से ही आएगा क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है व्लॉग को, तुरंत करो फिर डालो क्योंकि थक भी बहुत जाते हैं। तो अभी हम तैयार हो गए, अभी हम पहने हैं जींस और टॉप और ईरा भी तैयार हो गई है, सब कुछ तैयार है। बस अभी ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, ब्रेकफास्ट अभी हम लोग करेंगे। ईरा के पापा यहाँ पर दूध लाने के लिए गए हुए हैं, सिक्किम डायरीज के नाम से एक दूध आता है जो कि ईरा और बाकी सब जो भी मेरे साथ बच्चे लोग हैं तो उन लोगों को दूध पीने का आदत है और यहाँ तो दूध मिलता नहीं है, मतलब पाउडर वगैरह घोल के दे दिया जाता है होटल सब में, अगर बोलते भी हैं दूध के लिए तो। तो यहाँ पे एक लोकल में ही है, नीचे में ही है दुकान, सिक्किम डायरीज करके दूध आता है। तो वो अभी ईरा के पापा लाने के लिए गए हैं, पैकेट आता है, मतलब पैकेट दूध जो होता है काऊ का वो आता है और वो लाएंगे। तो हम यहाँ पे कैटल में अच्छे से गर्म करके वो पिला देंगे इन लोग को क्योंकि मेरे साथ 5 बच्चे हैं, 5ों को दूध पीने का आदत है। तो अभी अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो जो भी होगा आज का सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है खाना पीना को लेकर के ही, क्योंकि बाहर का खाना तो एक ही खाना, चाउमीन मैगी तो घर में वो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाहर आ जाने के बाद अगर वो चीज़ आप बच्चे को खिलाइएगा ना तो वो उतना इंटरेस्ट लेके खाएंगे ही नहीं। और माँ के दिमाग में ये रहता है ना कि बच्चे खाएँ और उसका पेट भरे ताकि फुल एनर्जी रहे और घूमने के समय में ये लोग चिल्लाएँ नहीं भूख भूख करके, और मतलब हेल्दी रहे और टेंशन फ्री रहे हर माँ की, चलो भाई पेट भरा हुआ है आराम से घूमेगी। तो ये चीज़ दिमाग में रहता है कुछ खा ले कि दिन भर एनर्जी रहेगा शरीर में। लेकिन यहाँ आई है ना, जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ कुछ नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं। तो हम ना बगल से दूध मंगाए हैं अभी, प्लास्टिक वाला ही वो जो सिक्किम मिल करके जो आता है, तो वही अभी सबके बॉटल में हम भर रहे हैं। तो मेरे साथ 5 बच्चे हैं, 5ों के लिए हम दूध कैटल में ही बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करके सब में चीनी डाल के सबके रूम में हम पहुंचा देंगे। मेरे साथ मेरी जेठानी है, मेरी ननद है, सबके बच्चे हैं, तो सबका यहाँ पे हम दूध बॉईल करके सबके बॉटल में डाल करके उसके बाद सबके रूम में दे देंगे ताकि कुछ तो थोड़ा हेल्दी जाए उन लोगों के पेट में। बहुत टेंशन होता है जब इन लोगों को खिलाएंगे और ये लोग नहीं खाती है, दिन भर भूखे रहती है और भूख की वजह से ना पूरा गैस बन जाता है और उल्टी हो जाता है इन लोगों को। नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, गाड़ी भी आ चुका है और ये है हमारा होटल। होटल का फैसिलिटी बहुत बहुत अच्छा है, खास करके यहाँ का खाना मतलब इतना अच्छा है ना कि अगर आपको कभी आना होगा तो हम होटल का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर यहाँ आइएगा। और बजट में, बिल्कुल बजट में है ये होटल। और नाश्ता और खाना, जब आप बाहर आइए और आपको आपके साथ खास करके बच्चे हो तो आपको नाश्ता और खाना आपको बढ़िया ही चाहिए होता है कि बिल्कुल घर जैसा, और ये बिल्कुल घर जैसा। और यहाँ तो आज फेस्टिवल भी है इन लोगों का और कल है क्रिसमस, तो आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा था जो कि कल भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जब 3 दिन हो गया, 3ों दिन का खाना और नाश्ता बहुत ही अच्छा था। और रात में हम लोग को जो हम लोग बोलते हैं वो इन लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रात में हम लोग का है फिश करी या फिर जो भी है, इन लोग को खाने का मन बोलते हैं कि आप लोग को क्या खाने का मन है वो हम लोग बता देते हैं, तो वो हम लोग को ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी हम लोग का गाड़ी आ चुका है और बस अब हम निकलेंगे, तो जो भी होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं। तो आज हम लोग लोकल घूमेंगे गैंगटॉक में, जो भी लोकल जगह है वो हम लोग घूमेंगे। और आज था सैटरडे था और आज हम लोग शुरुआत किए हैं सबसे पहले हनुमान टॉक से, और बहुत ही शांति, बहुत बहुत सुकून वाला जगह है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ चल रहा है, तो आप यहाँ आइए और एक कोने में बैठ जाइए और आपका दिमाग पूरा शांत हो जाएगा। हम लोग अभी आ गए हनुमान टॉक में और चलिए चलते हैं ऊपर और
प्रणाम करते हैं, प्रसादी हम लोग ले लिए, प्रसादी चढ़ाएंगे। हालत खराब हो गया। और ये है हनुमान टॉक। ये है हनुमान टॉक। और यहाँ पे आने के बाद आपको इतना शांति महसूस होगा ना कि मतलब जितना भी आपको परेशानी, थकान या किसी भी तरीके का टेंशन है तो वो आप यहाँ आने के साथ ही आपका दूर हो जाएगा। एक अलग तरीके का वाइब है क्योंकि ये बजरंग बली का जगह है, यहाँ पे हर तरीके का परेशानी ख़त्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ जा रहे। हनुमान टॉक घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं गणेश टॉक। गणेश टॉक भी उतना ही सुंदर जगह है जितना हनुमान टॉक, और दोनों बगल में ही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए, पूजा वगैरह किए, प्रसादी भी चढ़ाए और बस थोड़ा बहुत घूम रहे थे हम लोग। और अब हम लोग सोच रहे थे कि जैसे यहाँ पे किसी का मन्नत है तो आप यहाँ पे मन्नत पूरा करने के लिए तो आप यहाँ पे चुन्नी बांध सकते हैं। तो ये हम इस बार आए तो पहली बार ये चीज़ देखे हैं, बाकी चार बार पहले भी आए तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार से यहाँ पे हम देखे कि इस तरीके से यहाँ पे चुन्नी बांधा जाता है। और बस हम लोग अब यहाँ से घूम लिए हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा बहुत खाएंगे कुछ कुछ, भूख लगा है क्योंकि मंदिर जाना था तो नाश्ता वगैरह बहुत लोग किए थे, बहुत लोग नहीं किए थे। तो बस यहाँ पे अब गुपचुप वगैरह खाएंगे। थोड़ा ठंड में ना गर्मा गर्म समोसा जलेबी बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे वही मिल रहा था तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पे प्लांट फ्लावर वाला जो रहता है, फ्लावर इसमें पूरा रहता है तो फ्लावर गार्डन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे वो बहुत बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर सब था। इतना सुंदर लग रहा था कि सारा फूल उठा के घर लेके चले गए। बहुत बहुत सुंदर, मतलब सुंदरता का जितना भी इसको डिफाइन करेंगे उतना कम होगा। और बहुत बहुत सुंदर लगा देखने के, ये देखने के बाद हम लोग चले गए सीधा बंजाती फॉल्स। और ये फॉल्स सबसे बड़ा फॉल्स है गैंगटॉक में, क्योंकि छोटा छोटा फॉल्स तो बहुत बहुत सारा, हज़ारों फॉल्स है गैंगटॉक में, लेकिन सारा का पानी ना यही मेन जगह पे आके गिरता है, ये है बंजाती फॉल्स जो कि बहुत बड़ा फॉल है। अभी तो पानी थोड़ा कम भी हो गया क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, लेकिन जब ये समर गर्मी के दिन में ये इसका तिगुना पानी निकलता है यहाँ से, और बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी गिरता है। और अभी यहाँ पे सबको यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से सीधा हम लोग चले गए एमजी मार्ग। आप आगे चलिए तो ज्यादा दूर नहीं है, खाली मात्र 400 फीट। शॉपिंग, मतलब शॉपिंग।
शाश्वत देखो क्रिसमस ट्री ही है। हम लोग एम जी मार्ग में, तो लोकल घूमने के बाद हम आ गए हैं एम जी मार्ग। एम जी मार्ग में है और इतना ज़्यादा ठंड है और कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस को लेकर के यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा सजा हुआ है और पूरा सजावट है। हम लोग का एक दिन लेट करके हम लोग घर जाएंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ का क्रिसमस देखना था जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, तो हम दिखाते हैं।